सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय गुजरात के दौरे पर हूँ और मैं पहुँचा हूँ बापी, सिलवासा, दमनदीप, हवेली। यहाँ ये वलसाड़ जिला है। बापी में यहाँ लगभग तीन राज्यों के बॉर्डर मिलते हैं और यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने, एससी ओबीसी के लोगों ने मिलकर ये बुद्ध विहार का नींव भरा है। चूँकि यहाँ पानी भर गया है इसलिए पानी बरस गया है। ये पूरी देखिए टीम, आप देख सकते हैं सारे लोग, ये कटके जी हैं, ये सभी हमारे उपासकगण हैं, आप देख सकते हैं। आदरणीय ओपी मौर्या जी हैं और ये सभी लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। ये उपासिकाएँ हैं यहाँ की जो बुद्ध विहार को संचालन करती हैं। और आगे मैं दिखा दूँ पंचशील का, वो देखिए झंडा लगा है। ये पूरी लगभग 2 बीघा के बराबर ज़मीन है। देखिए बोधि वृक्ष भी रोपित कर दिया गया, बाबा साहब का प्रतिमा भी उधर लगा है और गाना भी देखिए बुद्धं शरणं गच्छामि बज रहा है। हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पहले कोई बड़ा बुद्ध विहार नहीं था, इसलिए सब लोगों की मनसा थी एक बड़ा बुद्ध विहार बने। बुद्ध विहार का नामकरण भी हो गया है, धम्म क्रांति बुद्ध विहार इसका नामकरण हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने ठाना है कि 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे और कम से कम साकेत के बदले में 10,000 अलग अलग क्षेत्रों में बुद्ध विहार बनाएंगे और जाकर के वहाँ लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अपनी पुरानी विरासत को जाने। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, ये पूरा एरिया ट्राइबल है, यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। वह भी पहले नहीं जानते थे कि अम्बेडकर बात क्या है, बुद्धिज़्म क्या है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया है। अब धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और सभी लोग देखिए जिंदा लोग, जागरूक लोग यहाँ खड़े हैं। ये उपासिकाएँ हैं, हम सब लोग मिलकर के, ये सभी लोग मिलकर के यहाँ बुद्ध विहार बना रहे हैं। और जब ये बुद्ध विहार बन जाएगा तो इसका हम लोग उद्घाटन भी करने यहाँ पर आएंगे। ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं कि जल्दी बुद्ध विहार बने और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग इसका सहयोग करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत।